साहब जी का पटना से खास रिश्ता था और आधुनिक बिहार का निर्माण जिन लोगों ने किया मैं मानता हूँ कि उसमें श्री पूजन सहाय जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पटना में राष्ट्रभाषा परिषद जैसा संस्थान उनके योगदान के बिना संभव नहीं था और वो उनका बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है। इस तरह से उन्होंने संस्थान भी बनाए, साहित्य भी रचा, दूसरों को बहुत प्रेरित भी किया। मैं बगैर ज़्यादा कुछ समय लिए सबसे पहले मैं गीता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो श्री पूजन सहाय जी के बारे में अपने विचार। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, मंच पर बैठे अवधेशप्रीत जी, विकास जी और आप सब। शिव पूजन सहाय के बारे में मेरी बात हुई कि एक सेशन है और मैंने खुद आगे बढ़ के कहा था इनसे कि मैं शिव पूजन बाबू पे बोलना चाहती हूँ। उसके दो दो रीज़न है। पहला रीज़न ये था कि लॉकडाउन के दौरान जब हम सब घरों में बंद थे और मैं एक जानकी पुल पर लगातार एक प्रोग्राम कर रही थी शहर गोरी, उसके दौरान मैंने बिहार के जितने हमारे पुरखे थे, जितने अयोध्या प्रसाद खत्री से लेके जानकी बाबू से लेके श्यामानंद किशोर या शिव पूजन बाबू, नलिन बिलोचन शर्मा, सबको लेकर मैंने सीरीज में 1 घंटे का प्रोग्राम वीकली करती थी। मैं उसी दौरान मैंने शिव पूजन बाबू को खूब पढ़ा। कोर्स में पढ़ने के बाद पहली बार मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा शिव पूजन बाबू को। उसी दौरान उनकी जितनी रचनाएं मुझे उपलब्ध हो सकी, मंगलमूर्ति जी के माध्यम से भी और कुछ किताबें मैंने मंगाई। मैं दूसरा कारण है शिव पूजन बाबू पर बात करने का आज यहाँ पे, वो है उनकी कहानी, कहानी का प्लॉट। अगर ये कहानी शिव पूजन बाबू पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बतौर संपादक वो कैसे थे, उन्होंने अपने संपादन की वजह से अपने साहित्यकार करियर को या कहे साहित्यकार होने को ही उन्होंने भुला दिया लगभग, और सारी जिंदगी जैसे हम लोग एडिटिंग में रहे हैं, विकास जी मैं, हम लोग सारी जिंदगी दूसरों की कॉपी ठीक करने में ही लगा देते हैं। तो शिव पूजन बाबू के साथ भी यही हुआ कि दूसरों की कॉपी ही ठीक करते रह गए। और आप सबको पता है कि प्रेमचंद का उपन्यास उन्होंने एडिट किया और उसकी उनके हाथों शिव पूजन बाबू के हाथ से जो प्रूफ पढ़ा गया वो पूरी पांडुलिपि भी अभी मौजूद है। तो शिव पूजन बाबू ने लगातार संपादक थे तो लगातार दूसरों की कॉपी और हिंदी ठीक करने में ही और हिंदी के लिए काम करने में खुद लिखने से ज़्यादा उसमें अपने को झोंका उन्होंने। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने सीरियसली कहानी लिखी होती तो शायद उन पर बात होती। भगजुगनी जो एक पात्र है कहानी का प्लॉट का, जिस तरह से कहानी के प्लॉट को, जिस तरह से इस कहानी को भुला दिया गया, ये सबसे बड़ा रीज़न है मेरे लिए कि मैं शिव पूजन बाबू पे बात करना चाहती हूँ। हो सकता है मैं बात करने जा रही हूँ उस बात से किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन बतौर पाठक और एक स्त्री होने के नाते भगजुगनी को, कहानी का प्लॉट की जो पात्र है भगजुगनी, जो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा घुसी हुई थी कि मैं उस समाज की किसी लड़की को देखती थी तो उसमें मैं भगजोगनी तलाशने लगती थी। और हर छोटी उम्र की लड़की जिसके बाल उड़े उड़े हो और उस तरह की फैमिली से आती हो, तो भगजोगनी एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रतीक के तौर पे मेरे जीवन में शामिल हो गई थी। इस तरह से प्रभाव था मेरे ऊपर इस कहानी का। लेकिन मैं बीच में वो सब कुछ खत्म हो गया, इरेज हो गया, जैसे स्मृतियां कई बार इरेज हो जाती हैं। लेकिन जब दोबारा से लॉकडाउन में मैंने पढ़ा और फिर से कहानी के प्लॉट पे मैं रुक गई, और जो बात मैं तब नहीं कह पाई वो मैं आज आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ। आचार्य शिव पूजन सहाय को मैं स्त्री विमर्श का आचार्य मानती हूँ। इसके पीछे मेरे अपने लॉजिक हैं। कहानी का प्लॉट इसको मैं बतौर उदाहरण सामने रखना चाहती हूँ। 1928 में जब ये कहानी लिखी और तभी ये कहानी छपी, एक पत्रिका थी सरोज नाम की पत्रिका थी, कलकत्ते से छपती थी, उसमें ये कहानी छपी थी 1928 में। उस समय इस लिखी गई ये कहानी को मैं उदाहरण के तौर पर इसलिए रखना चाहती हूँ कि जैसी जैसी कहानी उस दौर में लिखी शिव पूजन बाबू ने, एक पुरुष लेखक होकर इतना साहस करना क्यों, अभी आगे आपको भगजोगनी किसी को याद हो तो वो समझ सकते हैं मेरी बात को, नहीं तो मैं भी आगे बताऊंगी कि इतना साहस उनमें कहाँ से आया। जो साहस
आज स्त्री लेखन में आपको दिखाई देगा। कहानी का प्लॉट भले शिवपूजन बाबू की नजर में कहानी न हो, भले आलोचकों की नजर में कहानी न हो, या कोई, चूंकि उन्होंने पहले ही लिख दिया क्या लिखा बताती हूँ, लेकिन मैं इसको एक क्रांतिकारी कहानी मानती हूँ। और ये मानती हूँ कि स्त्री विमर्श के जो का एक प्रस्थान बिंदु हो सकती है ये कहानी, क्योंकि इसी कहानी से स्त्री विमर्श का आधार तैयार होता है। और वहां से 1928 से चलते हुए मौजूदा सदी तक वो प्लॉट आता है। इस कहानी को समझने की जरूरत है, इस कहानी के प्लॉट को समझने की जरूरत है कि क्यों एक कथाकार को कहानी के शुरू में ही यह कहना पड़ा कि यह कहानी नहीं, कहानी का प्लॉट। क्या बहुत वो दूर तक देख रहे थे? क्या वे आज को देख रहे थे? इतना बड़ा लेखक बहुत दूरदर्शी होता है, वो अपने समय से बहुत आगे को देखता है। तो जब मैं कहानी का प्लॉट पढ़ती हूँ, जब भगजोगनी को देखती हूँ या उसका ट्रीटमेंट देखती हूँ, क्रांतिकारी कदम देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या वो अपने समय से 50 साल आगे देख रहे थे? क्या आने वाले समय में उनकी कहानी, ये कहानी का प्लॉट जो उनकी नजर में कहानी नहीं है, क्या आने वाले समय में इस सदी में सचमुच कहानी का प्लॉट हो जाएगी? जिस पर जो आज की कहानियां, जो स्त्री लेखन है जिस पर हम लोगों ने कल बात की, क्या उन सबका आधार बिंदु यहां से मिलेगा? क्या प्रस्थान बिंदु तो मैंने कहा है, क्या आधार बिंदु भी उनकी कहानी उस समय हमारे लिए तैयार कर रही थी? या स्त्री मुक्ति का रास्ता, स्त्री मुक्ति का जो रास्ता है वहां से जो कहानियों में हम ढूंढते हैं, क्या उन्होंने वहां पे वो रास्ता खोल दिया था 1928 में? और जब भगजोगनी कहानी पर जो बात नहीं होती है उस पे मैं थोड़ा ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आश्चर्य होता है कि आलोचक भी बैठे होंगे यहाँ, कल आलोचना पे इतनी बात हुई, कैसे किसी कहानी को जो उसका प्राप्त है, जो उसका देह है, जो उसका अधिकार है, मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। कहानी के प्लॉट के साथ भी यही हुआ। भगजोगनी बार बार मेरी जुबान पे उसका नाम आता है क्योंकि मैं भूल ही नहीं पाती हूँ उस कैरेक्टर को। ऐसा कैरेक्टर है जिससे मैं जब जो कहानी के अंत में उन्होंने लिखा है ना कि भगजोगनी आज भी जीवित है, ये सच है कि भगजोगनी आज भी जीवित, लेकिन उस कहानी का अंत है वही इस समय की स्त्री का, कि जीवन का एक सच भी है, जिसमें जिस वक्त ये कहानी, जिस साल ये कहानी लिखी गई, जिस वक्त शिवपूजन बाबू ने कहानी लिखी, आप देखिए कि जिस समाज में भगजोगनी जैसी लड़की पैदा होती है या उसका बाप ऐसा लड़का ढूंढना चाहता है, या पूरा समाज, एक भगजोगनी एक सेवानिवृत्त दरोगा की बेटी है और गरीब हैं और दहेज के लिए पैसे नहीं उनके पास, और बिहार की हूँ मैं इसलिए मैं जानती हूँ कि उस 50 साल पहले भी बेटी के विवाह के लिए जो पिता को की जो परेशानी होती है दहेज देने की, उस समय ये कठिनाइयाँ तब भी थी, दहेज प्रथा की आज भी है। इन 50 सालों में बहुत कम बदलाव हुए, बदला है लेकिन उस समाज के लिए, खास समाज के लिए अभी भी उतना बदलाव नहीं आया। तो कोई कहानी कैसे बड़ी होती है, कैसे महान होती है, कैसे कालजयी होती है, वो अपने समय से आगे देख तो देखती ही है, अपने समय की उन सच्चाइयों को पकड़ के तार तार करती है जो जो समाज की रगों में इस तरह से पैबस्त है जिसके खत्म होने का कोई नाम ही नहीं। और लेखक को पता है कि जिस कहानी को वो उठा रहे हैं, ये कहानी जो ये सामाजिक परिवेश है, जो लड़कियों को हमारे समाज में या उसके पिता को भुगतना पड़ता है, ये समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये कहानी तब और भारतीय समाज 50 साल पहले भी वैसा ही था, आज भी कुछ मामलों में वही चिटका हुआ है। और यह कथा तब और बड़ी हो जाती है जब शिवपूजन बाबू ग्रामीण व्यवस्था और शहरी व्यवस्था, सरकारी तंत्र, ग्रामीण व्यवस्था और सरकारी तंत्र दोनों पर उंगली उठाते हैं, दोनों को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये कैसे होता है कि कहानी में एक जगह ये एक वाक्य है जिससे ये पोल खुलता है, वो लिखा है उन्होंने कि जब वर ढूंढा जा रहा था, तब जब लड़की के लिए वर ढूंढा जा रहा है तो बातचीत होती है, तो उसमें वो कहते हैं कि वेतन चाहे जो हो, ऊपरी कमाई अधिक से अधिक हो। अब ये यहाँ पे वो कैसे
समाज अपनी लड़की कैसी चाहता है, अपनी लड़की के लिए कैसा दामाद चाहता है, कैसा वर चाहता है, और फिर दामाद कैसा हो, किस समाज से हो, सरकारी नौकरी। अंग्रेजों ने तब क्या किया था, अंग्रेज कम वेतन देते थे और चाहते थे ऊपरी कमाई हो, ऊपरी कमाई का कुछ हिस्सा उनको पहुंचे। ये भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ की जो कड़ी है ऐसी होती है। तो अब वेतन इतना कम होता था, ऊपरी कमाई से सारे खर्चे चलते थे। तो यहाँ सहायक जी ने लिखा है कि अगर वेतन दूध है, ऊपरी कमाई उसके ऊपर चढ़ी हुई मोटी मलाई है। अभी कितना बड़ा व्यंग है सरकारी तंत्र पर, कितना बड़ा किस तरह से उन्होंने उंगली उठाई है। और आज भी आप देख ले तो ये समस्या रिश्वत वाली, ऊपरी कमाई वाली खत्म नहीं हुई है। ईडी अपना काम कर रहा है, पहले छोटे लोग, छोटे बाबू पकड़े जाते थे, अब बड़े बाबू पकड़े जाते हैं, बड़े लोग पकड़े जाते हैं, और साधारण अधिकारियों के घर से भी, क्लर्क के घर से भी करोड़ों करोड़ों रुपए उनके सिरहाने और उनके बिस्तर के नीचे से निकलते हैं। तो वो ऊपरी कमाई, तो ये समाज है आपका। दूसरा, वो ऐसा कहते हुए शिव पूजन बाबू, जो ग्रामीण समाज है उसकी जो सोच है उस पर भी हमला कर रहे हैं, उसको नहीं बख्श रहे हैं कि सरकारी तंत्र अगर खराब है तो हमारा समाज बहुत अच्छा है। हमारा जो ग्रामीण समाज है उसकी भी एक भयावह सच्चाई है, जो जो इस तरह से ऊपरी कमाई वाले वर्ग को बहुत महत्व देता है। और ग्रामीणों के पास या जो हमारा समाज है उसका कोई एथिक्स उस तरह से नहीं है, और इस बात पे वो जोर देते हैं, जबरदस्ती कथा में एथिक्स को घुसाने की जो एक उस दौर में कोशिश होती थी, जिसको आदर्श आप कह सकते हैं, यथार्थवादी आदर्श या आदर्शोन्मुखी यथार्थ, शिव पूजन जी इसके शिकार नहीं होते हैं। उस दौर में होते हुए भी वो अपने को अलग रखते हैं कि जैसा है वैसा ही दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, इसमें जबरदस्ती आदर्श ठूसने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जब कहानी का अंत होता है वो अद्भुत अंत है, मैं उस पर बाद में आऊंगी। मुझे यहाँ पे एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी, सब परसाई जी का एक व्यंग है जिसका शीर्षक है इंस्पेक्टर माता दीन चांद। उसमें चांद की सरकार को चलाने के लिए भारत की ओर से एक अफसर चाहिए था, और तो अफसर वहां जाता है तो चांद के साइज को देखकर उसको लगता है कि इतने बड़े चांद का वो अफसर है और भारत से आया है, और भारत में उसकी औकात कुछ नहीं थी, इंस्पेक्टर था, और चांद पे जाके आईजी हो जाता है। तो जब वहां वो गया तो उसको लगा कि अरे चांद पे तो लोगों को बहुत वेतन मिल रहा है, यहाँ बहुत वेतन है इनको, तो उसको अखरने लगता है कि हमारे यहाँ भारत में तो वेतन बहुत कम है, यहाँ इन लोग को, अब छोटा इंस्पेक्टर आईजी बन के गया तो दिमाग भी वैसे ही कि यहाँ तो वेतन बहुत है लोगों को। तो उसने सबसे पहला जो कदम उठाया, सबकी एक प्रायोरिटी होती है, तो उसने सबसे पहला कदम उठाया कि सबका वेतन, जितने लोगों का वेतन था सबको एक चौथाई कर दिया। जब वहां पे हलचल मच गई, क्योंकि उसने भारत का सिस्टम था उसको वहां पे उसने अप्लाई। 50 साल पहले भगजोगनी की शादी एक बूढ़े से कर दी जाती है। आप यहाँ देखिए कि स्त्री विमर्श का आधार बिंदु कैसे तैयार होता है। अभी तक ग्रामीण समाज की विडंबनाएं और सरकारी तंत्र की विफलता या उसकी जो विडंबनाएं हैं या उसकी जो त्रासदी है उसके बारे में बात हुई। 50 साल पहले भगजोगनी एक छोटी गरीब सी बच्ची है। उस समय देखिए, इसमें कहानी से कई बिंदु पर शिव पूजन बाबू बात करते हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह। वृद्ध विवाह भी को भी मैं एक प्रॉब्लम के रूप में देखती हूँ कि आपकी उम्र हो गई है लेकिन आपके अरमान अब भी शेखों जैसे हैं, जो हैदराबाद से कम उम्र की रुखसानाएं खरीद के ले जाते हैं। तो एक वृद्ध विवाह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हरियाणा में लड़कियां नहीं है। हरियाणा का गांव पिछले दिनों मैं ऐसे ही घूमते पहुंची तो वहां घरों में जो पुरुष थे, जो औरतें थी, वो यही कह रहे थे हमारे लड़कों की शादी नहीं हो रही है, हमें लड़कियां दिलवाइए। तो उन्हें लगा जैसे हमको एजेंट हो लड़कियां दिलवाने के। ये समस्या वही नहीं, पहाड़ के कई गांवों में है जहां शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, उन गांव में लड़के कुंवारे हैं वहां पे। तो आप देखिए, ये सामाजिक बुराइयां हैं कि दहेज प्रथा और बाल विवाह के अलावा वृद्ध विवाह भी एक बुराई है। स्त्रियां विधवा होती हैं,
या अधेड़ होती हैं या वृद्ध होती हैं, तो दोबारा उनकी कामनाएं उस तरह से अपने से आधी उम्र का लड़का नहीं ढूंढती हैं शादी के लिए। लेकिन वृद्ध पुरुष हमेशा जब दोबारा शादी का सोचता है तो अपने लिए उसी कमसिन लड़की के बारे में सोचता है। इससे जुड़ा हुआ एक अंतिम वक्तव्य, एक अंतिम जानकारी लेकर अपनी बात खत्म करूंगी। 1958 के आसपास जब शिवपूजन जी ने डायरी लिखा अपना, ये उनके पुत्र ने मुझे बताया कि डायरी में ये लिखा कि भोजपुर के गांव में, कहानी लिखी 1928 में, 1958 में वो एक गांव भोजपुर के गांव में सूरज पंडा थे, वो लेखक थे और बहुत प्रसिद्ध नहीं थे। जब वो कहानी पढ़े, वो आए इनसे मिलने शिवपूजन बाबू के यहाँ, तो उन्होंने आके कहा कि ऐसी ही घटना मेरे गांव में हुई है, बगजोगनी जैसी घटना, और ये कहानी आप 1928 में लिख चुके थे। आप सोचिए कितने सालों का फासला है। तो जो जैसा मैंने कहा कि कैसे एक लेखक अपने समय को पकड़ता है कितनी बारीकी से, और वो चीजें 20 साल 50 साल 60 साल बाद भी वो जीवन में, तो जीवन कहानी से बड़ी कहानी है। तो और इसीलिए अपनी भूमिका में उन्होंने इसका जिक्र किया था शिवपूजन बाबू ने इसका, कि आज ये विडम्बना है कि आज भी जब दूसरा एडिशन आया 1958 में, तो उन्होंने कहा कि आज भी ये विडम्बना है। और शिवपूजन बाबू का भी मैं सुनना चाहती हूँ, विकास जी को और अवधेश जी को। मैं चर्चा तो उनकी मुंडमाल कहानी की भी कर सकती थी, जिसकी कैरेक्टर इतनी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की कहानी है और वो इतनी बोल्ड कहानी है कि वो जब पुरुष उसके रूप पे दिखता है तो अपना गर्दन काट के थाली में लेके दे देती है। ठीक है, ये ठीक वैसे ही जैसे रत्नावली ने तुलसीदास के साथ किया था। तो स्त्रियां उनके यहाँ शिवपूजन बाबू के यहाँ बहुत ही उदार और साहसी और क्रांतिकारी। और सबसे अंत में बिना बात किए अगर ये कहे मैं चली जाऊंगी कि शिवपूजन बाबू कहते थे कि मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। तो स्त्री लेखन में आप इस प्लॉट की धमक देख सकते हैं, क्योंकि भगजोगनी का पति बूढ़ा जरूर था, वो पहला पति था, भगजोगनी आज भी जीवित है, उसका दूसरा पति है जो उसका सौतेला बेटा है। 1928 में इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतनी बड़ी क्रांति किसी और कहानी ने की हो ऐसा मुझे याद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिवपूजन जी के लेखन के बारे में बिल्कुल एक नए नजरिए से विचार करने की प्रस्तावना रखी। अब मैं विकास कुमार झा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए शिवपूजन। आदरणीय विद्वजन, हमारे मित्र अवधेश जी, गीता शिव जी, आज किताब उत्सव के अवसर पर आचार्य शिवपूजन सहाय जी के साहित्य को लेकर जरूरी चर्चा हो रही है और ये होनी चाहिए। दरअसल किसी भी लेखक पर जब हम बात करते हैं जो गुजरे दौर में हो चुके हैं, तो आज के संदर्भ में वो कितने प्रासंगिक हैं, और यह उस पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि आज शिवपूजन जी हम लोगों के लिए कितने जरूरी हैं। तो मुझे लगता है इसलिए ये विषय बहुत ही, इस पर अनिवार्य रूप से चर्चा होनी ही चाहिए और आगे भी हो, तो हम लोगों की बात की पीढ़ी की वे के भी जो लेखक हैं वो जाने कि किस तरह शिवपूजन सहाय जो एक नींव की ईंट बने साहित्य के, वो कितने ज़रूरी हैं, जिनको जान करके ही हम अपने आगे की मंजिल तय कर सकते हैं। मुझे स्मरण आता है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र गए थे डॉक्टर लोहिया से मिलने के लिए, जब वो बहुत बीमार थे। डॉक्टर लोहिया उस समय उस रुग्णावस्था में भी वो बिस्तर पर वो सीने के बाद लेट करके और तकिया लगा के वो लिख रहे थे कुछ, बहुत बीमार। तो विद्यानिवास जी ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसी हालत में आप ये क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो विद्यानिवास जी ने कहा, प्रोफेसर, विचारों की कुछ ईंटें बनाकर छोड़ जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा वक्त आएगा जब निर्माण के लिए भूमि निकलेगी तो कहीं लोग ईंट बनाने की हुनर ही न भूल जाए। गीताश्री ने जो भी कहा कहानी के प्लॉट के संदर्भ में, दरअसल आचार्य शिवपूजन सहाय ने वो ईंट बनाकर, विचार की ईंट बनाकर वो छोड़ गए हम लोगों के बीच में, जिस पर आज तक
चाहे वो किस साहित्य की कोई भी विधा हो, चाहे हमारे आदरणीय अग्रज गुरुओं की आश्री आलोक धनवा जी जो भी सभागार में हम लोगों के बीच मौजूद हैं, बड़ा गर्व होता है जब इनकी चर्चा होती है पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आचार्य शिव पूजन सहाय जो एक ईंट बनाकर छोड़ गए विचार के, तो कहीं आलोक धनवा जी ब्रूनों की बेटियां लिखते हैं, भागी हुई लड़कियां लिखते हैं, हमारी गीता जी हैं तो उपन्यास लिखती हैं मुजफ्फरपुर के उन मजलूम लड़कियों के जीवन को लेकर के। तो इस तरह से अभी सौम्या जी हैं, हमारी निवेदिता जी हैं, इस तरह अनेक हम लोगों की पीढ़ी के भी लोग हैं जो कि उस समस्या को लेकर वह लिख रहे हैं। और इसलिए वह एक जो बुनियादी ईंट वह आचार्य शिव पूजन सहाय हम लोगों को दे गए, आगे भी अगली पीढ़ी को भी। आप देखिए ना, अरुंधति राय का जो उपन्यास है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वो क्या है, स्त्री के बिल्कुल की बहुत वह दारुण कथा है जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें और अंत में एकदम विचलित हो जाता है। तो प्रखर आलोचक स्वर्गीय परमानंद श्रीवास्तव ने इनके बारे में लिखा, आचार्य शिव पूजन सहाय के बारे में, कि वह आम वह जनता के लेखक थे शिव पूजन सहाय। और आगे लिखते हैं परमानंद जी उसमें विशेष रूप से जोड़ते हैं कि वह जनता के लेखक थे और वह जनता की जीवनी शक्ति के लेखक, उस पर बल देते हैं कि वह जनता के लेखक थे और उसमें भी जनता की जीवनी शक्ति के लेखक थे। वह जीवनी शक्ति जो जनता की जीवनी शक्ति है, वह सच में किसी साहित्य कार के लिए, साहित्य सृजन करने वाले के लिए जीवनी शक्ति है। और शिव पूजन सहाय जी ने तो मतलब, और जो भाषा के स्तर पर, जैसा कि डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने अपनी पुस्तक में आचार्य शिव पूजन सहाय को लेकर बहुत विशद रूप से लिखा है, और हिंदी गद्य का विकास में वो लिखते हैं शिव पूजन सहाय जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में, उनके भाषा पर जो उनकी सिद्धि थी, एक तरफ भाषा का लालित्य और दूसरी तरफ भाषा की सादगी, मतलब इस दोनों को एक साथ साधना जो है वह क्या कहा जाए, मतलब जैसे रथ में दो घोड़ा जुटा हुआ हो और दोनों अलग अलग मिजाज का हो, लेकिन वो जो सारथी है वो उसको सिद्ध करके चल रहा है, ये थे आचार्य शिव पूजन सहाय। अब उनकी एक पंक्ति, जैसे किसी निबंध में, मैं बड़े निबंधकार थे तो एक पंक्ति वो जैसे उनकी मुझे याद आ रही है, दिग दिगंत में ऋतुकंत बसंत का आनंद छा गया, दिग दिगंत में ऋतु बसंत का अनंत में आनंद छा गया। अब ये एक पंक्ति है, सिर्फ लंबा पैराग्राफ है, मुझको याद नहीं है, लेकिन अब एक देखिए एक पंक्ति तो निबंध में आता है, और वही देहाती दुनिया में वो लिखते हैं कि बहुत लू चल रही थी, और वह लू इस तरह चल रही थी जैसे किसी युवा विधवा, जो युवती है, जो विधवा है, उसकी आह भरी गर्म सांसें निकल रही हों। यह आचार्य शिव पूजन सहाय यहाँ एक तरफ वो लिखते हैं, ये दूसरी तरफ जब उपन्यास की विधा में आते हैं तो लिखते हैं 1954 में परेश्वरनाथ रेणु जी का जो मेला चलाया, उसके मेरे ख्याल से 28 साल पहले शिव पूजन सहाय जी देहाती दुनिया लिख गए थे। और मतलब देहाती दुनिया हिंदी साहित्य में, विशेष रूप से आंचलिक उपन्यास की जहाँ तक बात करेंगे, तो वह एक बहुत जरूरी उपन्यास है, वह एक प्रस्थान बिंदु है आंचलिक उपन्यासों का। तो इस तरह, या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में कहानी, तो कहानी मुंडमाल की कथा लें या कहानी का प्लॉट की कथा लें। कहानी का प्लॉट तो लंबे समय तक कोर्स में भी था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, मेरे ख्याल से आज भी होना चाहिए वो, लेकिन लंबे समय तक वो कहानी का प्लॉट चलता था। तो इस तरह फिर पत्रकारिता पे आई, पत्रकारिता में भी शिव पूजन सहाय जी, और जो सबसे बड़ी बात है, जो आज की तिथि में, आज की तारीख में शिव पूजन सहाय पर क्यों बात होनी चाहिए, शिव पूजन सहाय पर इसलिए बात होनी चाहिए क्योंकि बाकी तो जो उनके गुण थे, उनका जो योगदान था, वह तो मतलब नमनीय है, लेकिन जो विशेष रूप से बात होनी चाहिए कि साहित्य एक सामूहिक कर्म है, साहित्य एक व्यक्तिगत कर्म नहीं है। शिव पूजन, आचार्य शिव पूजन सहाय का जीवन, उनकी साधना, साहित्य साधना, इस दर्शन पर चली आजीवन, वह लेखन साहित्य सामूहिक कर्म है। आलोक धनवा जी जब लिखते हैं, जैसे बाबा नागार्जुन कहते हैं उसमें, ये नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, मेरी भी आभा है उसमें, तो सार वह एक सामूहिक कर्म है। कोई नया युग, नया बच्चा जब लिखता है
और तो उसमें कहीं ना कहीं आलोकी भी हैं, उसमें कहीं ना कहीं अवधेश प्रीत हैं, गीता श्री हैं, सौम्या हैं, निवेदिता हैं, आप सब हैं उसमें, सूर्य नारायण जी हैं। तो ये एक सामूहिक कर्म है, हम हैं, हम उससे दूर नहीं है। वह मेरा एक नया रूप है, वह मेरा एक नया पल्लव है, वह मेरा एक नया अंकुरण है। श्री पूजन सहाय जी ने अपने समकालीनों के लिए, जब वह मारवाड़ी सुधार नाम की पत्रिका का संपादन कर रहे थे, कलकत्ता प्रकाशित करने के लिए उसको गए थे, और वहीं पर आदर्श नाम की एक पत्रिका का भी दायित्व उनको संपादन के लिए मिला। और यह एक अद्भुत बात हुई कि महाप्राण निराला की जो अमर कविता है जूही की कली, वो सबसे पहले आचार्य शिव पूजन सहाय के संपादन में आदर्श नाम की उस पत्रिका में छपी। तो इसी तरह जयशंकर प्रसाद, बनारस से बड़ा आना जाना था आचार्य शिव पूजन सहाय जी का। तो अब मैं सोचता हूँ, वही मैं सोच रहा था सुबह कि जयशंकर प्रसाद जी ने शिव पूजन सहाय जी को ही क्यों दिया वो अवधि अपनी पांडुलिपि देखने के लिए। उनके तो बनारस में भी कई मित्र रहे होंगे, इलाहाबाद में भी कई मित्र रहे होंगे, आखिर शिव पूजन सहाय ही क्यों? तो उन्होंने यह महसूस किया कि भाषा की के जिस मतलब मोहक रूप में उन्होंने कामायनी की पूरी जो रचना की, तो उस कामायनी की कमनीयता को दे का संपादन जो है वह आचार्य शिव पूजन सहाय को छोड़कर कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास वो भाषा की कमनीयता भी थी और सादगी भी थी। किसी ने मुझे एक बार कहा कि एक बहुत सादगीपूर्ण भाषा अगर आपको देखनी है भीष्म साहनी को पढ़िए। और सच में भीष्म साहनी में कहीं कोई मतलब प्लेन स्टोरी है, प्लेन स्टोरी, सादगी भरी कहानी, लेकिन जब आप पढ़ के खत्म करते हैं तो आप रोमांचित हो जाते हैं, उथल पुथल से भर जाते हैं। तो इस तरह शिव पूजन सहाय ने दरअसल अपने समकालीनों की समकालीन रचनाकारों की रचनाओं पर परिश्रम किया। सर गीता जी ने कहा कि वो और भी बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दधीच की तरह अपना जीवन गलाया अपने समकालीन साहित्यकारों की रचनाओं को और बेहतरीन बनाकर प्रस्तुत करने के लिए। तो यह त्याग एक बड़ी बात है। माया पत्रिका में जब मैं वर्षों तक था, इलाहाबाद से निकलती थी, हमारे संपादक थे बाबूलाल शर्मा, अद्भुत संपादक थे वो, लेकिन आज तक मैंने कभी उन्होंने अपने नाम से कोई रिपोर्ट नहीं छापी। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि भाई साहब कभी आप, अब जबकि वो पूरी पूरी की पूरी कॉपी लिख डालते थे, मतलब कई स्टोरीज को रीराइट करके पूरा, तो कहते थे इस पहले से अंतिम पन्ने तक मैं हूं, आप में मैं हूं। और यही चीज मैंने सुरेंद्र प्रताप सिंह में देखा कि सुरेंद्र जी जब तक रविवार पत्रिका के संपादक जब थे या नवभारत टाइम्स के हुए, सुरेंद्र जी ने दूसरों को प्रमोट। तो बात वही है, एक बार मैं ट्रेन यात्रा कर रहा था, मैं सब शिव पूजन सहाय जी के संदर्भ में कह रहा हूँ कि चाहे वो बाबूलाल शर्मा हो, चाहे सुरेंद्र प्रताप हो, हम लोग कहते हैं कि महावीर प्रसाद संपादकाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धारा के को का जो ध्वज है उन्होंने आचार्य शिव पूजन सहाय जी ने थामा था। तो बाद के दिनों में सुरेंद्र प्रताप ने थामा, बाबूलाल शर्मा जैसे लोगों ने थामा, जिन्होंने वह त्याग किया कि नहीं मुझे नाम शोहरत नहीं चाहिए, आपका आपके नाम शोहरत में मैं भी हूँ, मेरी भी आभा है उसमें। तो यह एक बड़ा सेक्रीफाइस है। जो बैक स्टेज है, बैक स्टेज में बैठने वाले लोग जब आपको संवारते हैं तो उसका एक अलग जादू होता है और उसका एक बड़ा गजब सेक्रीफाइस होता है। अंधेरे में बैठे उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। शिव पूजन सहाय इसलिए हमेशा बिल्कुल दीप्त रहेंगे हम लोगों के मन में, आने वाली पीढ़ियों के मन में, और चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वह निबंध लेखन हो, चाहे वह व्यंग्य हो, उपन्यास हो, कथा हो, हर विधा में उन्होंने यह लिखकर बताया कि देखो ऐसे करना, आने वाली पीढ़ी को बताया कि आगे जाकर ऐसे करना। तो इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो हमें मुझको एक याद आती है, क्योंकि मैं कई चीज़ों को इसमें, क्योंकि शिव पूजन साहब पर जब आप बात करेंगे तो साहित्य पर बात करनी होगी, पत्रकारिता पर बात करनी होगी, निबंध लेखन पर, निबंधकार के रूप में बात करनी होगी, व्यंग्यकार पर, संपादक पर, मतलब उनके विविध रूप थे। तो एक बार मैं नजमुल हसन साहब एक आए, नेशनल हेराल्ड के बड़े जर्नलिस्ट थे, पटना आए, तो हमारे पिताजी वो कोई ऐसे बड़े पत्रकार जब उनसे मिलने जाते थे तो वह हमको बुला के मिलवाते थे कि ये लड़का पत्रकार बनना चाहता है, पता नहीं कहाँ से इसको भूत चढ़ गया है, इसको समझाइए, कुछ ज्ञान हो तो दे दीजिए कि आगे कुछ और अच्छा करे। नजमुल हसन को मैं याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा एक फॉर्मूला याद रखना,
तो मैंने कहा बताया जाए, कहा आइस का स्पेलिंग जानते हो? मैंने कहा जी आईसीई। तो कहा बस इसी को, यही पूरा जर्नलिज्म है, यही पूरा साहित्य है, यही लेखन है। हमने कहा बताए क्या, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा आई से इंसिडेंट, सी से कॉज, ई से इफेक्ट। घटना क्या हुई, कारण क्या था, कॉज कारण क्या था, और इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ा। बैलेंस जब हम पढ़ते हैं तो शुरू ही एक जैसे सब एक एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है कि सारे गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि मिलिट्री ने बहरू चथरू को गिरफ्त कर लिया है और लोबी लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए हैं। ये खबर है, एक रिपोर्टर का रिपोर्ट दे रहा है ये, और आप उसमें उलझते हैं कि वो बहरू चथरू को क्यों गिरफ्तार किया गया है और लोबी लाल के कुएं से बाल्टी क्यों खोल ली गई। आगे बढ़िया तो कहना है कि चाहे वो इशू हो, फिर नजमुल हसन ने मुझे कहा कि चाहे वो इशू हो, जैसे हम राम जन्मभूमि पर बात करते हैं, 370 पर बात करते हैं, तो आप इंसिडेंट को इशू में कन्वर्ट कर दीजिए। इशू क्या है 370, कॉज क्या था, ये था, और 370 पे जो कार्रवाई हुई उसका प्रभाव क्या पड़ा, कंप्लीट। श्री पूजन सहाय ने अपने दौर में यही समझाया और यही पैगाम दे गए, और डॉक्टर रोहिया के शब्दों में नींव की यही कुछ ईंट बनाकर छोड़ गए जिसको आज भी हम लोग पूज रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद विकास जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब मैं अवधेश जी से अनुरोध करता हूँ, अवधेश जी से, कि आप अपने मंच पर उपस्थित मित्र विकास कुमार झा जी और कथा क्षेत्र की महत्वपूर्ण लेखिका गीताश्री, मेरे सामने उपस्थित हम सत्य अग्रज आलोक धनवा जी, श्रीराम जी और बहुत सारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं, सबका नाम ले पाना संभव नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि जो बातें आचार्य शिवपूजन सहाय के बारे में कही जानी चाहिए थी, महत्वपूर्ण जिसे रेखांकित किए जाने की जरूरत थी, वो दो वो सारी बातें गीता ने और विकास जी ने कह दी है। चूंकि समय उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां इस सत्र की समाप्ति होनी चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ कुछ वो बातें कहना चाहूँगा कि आचार्य जी के बारे में एक बात है कि जैसे यहाँ कहा गया कृतित्व की बात की गई है, तो आचार्य जी का जो कृतित्व है उसमें ही निहित है उनका व्यक्तित्व भी। उन्होंने अलग से अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है। मंगलमूर्ति जी ने एक पुस्तक संपादित की थी मेरा जीवन, जिसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि आचार्य शिवपूजन सहाय ने जो कुछ लिखा है उसी में वो निहित है, और उसी को उन्होंने कालक्रम से संपादित कर संग्रहित किया है और उस पुस्तक का नाम दिया है मेरा जीवन। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसमें निराला के बारे में है, उसमें महादेव सेठ के बारे में है, उसमें प्रेमचंद के बारे में है, जयशंकर प्रसाद या उनके संपर्क में सानिध्य में आए हुए जितने लोग थे, पराड़कर जी के बारे में है, उन तमाम चीजों को लेकर के वो पूरा एक पूरी एक पुस्तक तैयार की गई है जिसका नाम है मेरा जीवन, और मान के ये चला गया है कि यह ही आचार्य की बायोग्राफी है। आचार्य ने उन्हीं में ही अपने आप को निहित कर दिया जिनके बारे में वो बता रहे हैं। वो इतना आत्मीय है, इतना अंतरंग है कि उसमें वो खुद भी दिखते हैं। तो बात मैं थोड़ी सी वहां से करूं, मतवाला से करना चाहूंगा, क्योंकि मतवाला ही वह एक तरीके से प्रस्थान बिंदु है जहां से निराला भी सामने आते हैं, जहां से आचार्य शिवपूजन सहाय भी सामने आते हैं, और नवजादिक लाल श्रीवास्तव भी सामने आते हैं, महादेव सेठ भी सामने आते हैं, और यही मिला करके एक मतवाला मंडल था जो मतवाला की मंडली थी। लेकिन दिलचस्प यह है कि निराला जी रामकृष्ण मिशन के आमंत्रण पर वहां से पत्रिका निकलनी थी समन्वय संपादन के लिए आए, और उसी बिल्डिंग में मतवाला का भी कार्यालय था। इस तरीके से संयोग बना कि आचार्य जी भी मिले, महादेव सेठ भी मिले, नवजादित लाल भी मिले और निराला जी भी मिले, और इस तरीके से ये चारों की एक मतवाला मंडल बन गया। अब तय यह हुआ कि मतवाला निकले कैसे है? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आचार्य जी उस नींव में कहाँ हैं। तो नवजादित लाल जी एक दिन मार्केट में गए तो वहां पर एक बंगला का पत्र मिला, उस पत्र का नाम था अवतार, अवतार नाम था बंगला का था, और वो हास्य विनोद का वो पत्र था।
उसे देख करके बहुत आनंद आया लोगों को कि बात ऐसे भी कही जा सकती है, ऐसे भी पाठकों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। और जब वो नवजादिक लाल वो पत्र को लेकर के आए मित्रों के बीच, यानी इन लोगों के बीच में बैठ करके जब चर्चा होने लग गई तो सब में एक सहमति बनी कि हाँ इस तरीके का एक हिंदी में पत्र निकलना चाहिए। और उस पर नाम सोचा जाने लगा कि हिंदी में व्यवस्थित एक ऐसा नाम कैसे रहेगा जिससे कि ये बात कही जानी है वो उसमें समाहित हो। और उसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छे से एक अच्छा शब्द प्रयोग किया, सोचावट होने लगी, सोचावट। और जब सोचावट पूरी हुई कई दिनों बाद तो नवजादित लाल ने ही एक दिन सुझाया कि मतवाला कैसा रहेगा, और निराला जी ने भी उस पर सहमति जताई, तमाम लोगों ने सहमति जताई और निराला ये मतवाला तय हो गया। मतवाला में निराला जी के मुख पत्र पर कविता छपनी थी ये तय हुआ था, और कुछ समीक्षाएं वो लिखेंगे ये तय हुआ था, और हास्य विनोद की जो चीजें होंगी वो लिखेंगे आचार्य जी। संपादक में नाम जाना था महादेव सेठ का, महादेव सेठ के बारे में हो या फिर निराला जी के बारे में हो, बहुत आत्मीय बहुत अंतरंग उन्होंने अपने संस्मरणों में आचार्य जी ने लिखा। और मुझे लगता है कि तमाम विधाओं में लिखने के बावजूद अभी जैसे गीता जी कह रही थी उनके कहानी के प्लॉट के बहाने कहानी को एक, और ये कहे कि कालजयी कोई रचना कैसे होती है वहां तक आने के लिए, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जिस भी विधा में उन्होंने लिखा है वे सारी विधाएं, जैसा विकास जी कह रहे थे कि वो नींव का वो जो पत्थर बना ईंट बना गए हैं उस सारी विधाओं में वो ईंट है। और मैं तो कहता हूं कि संस्मरणों के तो बेताज बादशाह हैं, वैसे संस्मरण मुझे उनके उनके समकाल में कोई दूसरा लेखक नजर नहीं आता है कि जो, अगर आलोक धनवा पर लिखना है उनको तो आलोक धनवा के भीतर प्रवेश करके कैसे इतना जीवंत संस्मरण लिखा जा सकता है कि आचार्य जी के संस्मरणों को पढ़ करके जाना जा सकता। जो उन्होंने निराला पे लिखा है, निराला के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी वो विक्षिप्त थे तो वो पागल थे तो ये थे वो, तमाम तरह की चीजें, लेकिन जिस आत्मीयता के साथ उनके इस गुण को आचार्य जी ने रखा है स्थापित किया है उसमें कहीं वो उनकी गरिमा के प्रति है, वो उनको गरिमा प्रदान करती, कहीं से भी उनको विक्षिप्त पागल या ऐसा कोई भाव किस्म का आदमी नहीं बनाती, वो एक ऐसा भी जो मानवीय गरिमा से परिपूर्ण है, वो किसी गरीब किसी दरिद्र किसी भिखारी किसी ठिठुरते हुए व्यक्ति को वो देख ही नहीं सकता था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और ये निराला तब है जबकि समन्वय के संपादन के लिए अपने बहुत युवा अवस्था में वहां पर थे कलकत्ता में। बाद के दिनों में उनका जो इलाहाबाद के कई संस्मरण है कि कहीं बुढ़िया को उन्होंने शॉल उड़ा दिया कहीं कुछ उड़ा, ऐसे बहुत सारे कारनामे तो वो कलकत्ता में भी कर चुके थे। लेकिन जिस तरीके से जिस गरिमा के साथ निराला को जिस गरिमा के साथ उन्होंने देखा है और उनके इन तमाम कृत्यों को, सबसे दिलचस्प बात है कि महादेव सेठ उनके लिए इस कदर समर्पित थे कि वो अपनी जेब से उनके लिए जो उनकी इच्छा होती थी खरीद के देते थे, और जानते थे कि ये अभी दे रहे हैं अभी आधा घंटा बाद ये किसी दूसरे को दे देंगे। फल फूल मिठाई कोई भी सामान उनको खरीद के दिया जाता था और लौटते थे तो उनका हाथ खाली होता था। यह सब कुछ इतना जीवंत तरीके से आचार्य जी ने लिखा है कि लेख करके लगता है कि कैसे निराला जी जैसे को, जयशंकर प्रसाद को उन्होंने जब वो किया है, या परारका जी के बारे में जो लिखा, प्रेमचंद के बारे में जो लिखा, प्रेमचंद के बारे में जो लिखा है उसको तो देख करके ऐसा लगता है कि प्रेमचंद आपके और हमारे सामने चल रहे हैं। इतना गतिमान चित्र, वो कहते किस तरीके से वो जो अपने हंस कार्यालय से निकलते थे और गोदौलिया तक जाते थे, कैसे वहां जो है वो एक तंबोली था उससे पान एक ढोली पान बधवाते थे। और जब हम उनके चित्र देखते हैं प्रेमचंद के, जब हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं तो कहीं ये चित्र नहीं बनता है कि प्रेमचंद ऐसे थे। तंबाकू खाते, हुक्का के बारे में थोड़ा बहुत प्रचलित है लेकिन तंबाकू इतना खाते कि रोज एक ढोली पान बधवा कर वो घर अपने गाँव लेके जाते थे, इक्का लेते थे वहां से जहां से कि कम पैसा लगे और गांव चले जाते थे। और कभी कभी ऐसा होता पैसा नहीं होता था तो वो वरुणा पुल तक उससे आगे भी पैदल ही चले जाते थे, उसके बाद गांव का कोई इक्का वाला मिल गया तो उससे चले जाते थे। तो ये सारा कुछ इतना जीवंत तरीके से, और उनके और जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद के साथ जो रिश्ते थे वो अद्भुत थे। दोनों के लेखन की जो दिशाएं हैं अलग हैं, वैचारिकता के स्तर पर भी देखा जाए तो दोनों की जयशंकर प्रसाद, लेकिन मित्रता अद्भुत। रोज शाम उस गद्दी पर जहां की जयशंकर प्रसाद की गद्दी थी गोवर्धन सराय में, वहां दोनों मित्र मिला करते थे, अन्य लोग भी आ जाया करते थे। तो यह सब कुछ इतना अंतरंग तरीके से इतना सूक्ष्म दर्शी दृष्टि से देखा है आचार्य शिवपूजन सहाय ने कि उसे आप पढ़ लीजिए तो किसी भी उस काल के किसी भी लेखक के
व्यक्तित्व से आप पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे और उस व्यक्तित्व में कितना कुछ महत्वपूर्ण लेखक है और उस व्यक्तित्व ने किस तरीके से इतना महत्वपूर्ण लेखन है दिया है कि सारा विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो मैं बात आ रहा था मतवाला पे, तो मतवाला जब निकलने की बात ये हुई तो ये सारी चीजें तय हुई। एक अच्छी बात मैं एक दिलचस्प बात बताऊं कि सरस्वती के संपादक आचार्य देवी के ही रिकमेंडेशन से निराला जी समन्वय के संपादक हुए थे कलकत्ता में, जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी की ओर से निकलना था, वो पत्र निकलना था। और जब गर्गज सिंह के नाम से समीक्षाएं लिखने लगे, पुस्तक समीक्षाएं लिखने लगे निराला जी, तो निराला जी ने सरस्वती की ऐसी तैसी कर दी गर्गज सिंह के नाम से, बड़ी आलोचना उन्होंने की। द्वेदी जी ने उन्हें रिकमेंड किया था संपादक के रूप में समन्वय के, और उन्हीं द्वेदी जी के सरस्वती को उन्होंने उसके पूरा जो है धज्जी उधेड़ के रख दी। महावीर शाह द्वेदी ने इस पत्र का मतवाला को रंग करके वापस भेजा और ये बताने के लिए कि तुम जो मेरे पत्र का ये सब कर रहे हो, तुम लोग मतवाला वालों, तुम अपना देखो तुम्हारे पत्र का क्या हाल है। तो ये सब कुछ चला करता था उनके बीच में। बाद में उन्होंने ये सरस्वती पर लिखना इस तरह से बंद किया। एक दूसरा उदाहरण और दिलचस्प है जो शिवपूजन सहाय जी बताते हैं मतवाला का क्या प्रभाव। मैं मतवाला का जिक्र बार बार से करता हूं कि मतवाला वो लॉन्चिंग पैड है जहां से हमारे कई लेखक हिंदी परिदृश्य में बड़े लेखक के रूप में सामने आते हैं। तो मैं मतवाला की भूमिका, जैसा कि विकास जी ने भी कहा कि संपादक और पत्रकारिता का जो धर्म है वो क्या है, और संयोग ही कहिए ये कि आज तीनों पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर हैं जो थोड़ी बहुत साहित्य में भी दखल देने लगे हैं। तो मैं मतवाला की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें कलकत्ता में पारसी थिएटर बहुत हुआ करता था। दादा आपको तो बहुत कुछ पता होगा पारसी थिएटर के बारे में। तो पारसी थिएटर, आपके तो मित्र एक हैं जो कलकत्ता के किसी उस पर जो है बहुत बढ़िया कविता भी लिखी उन्होंने, ट्राम से जाती हुई लड़की, वो ज्ञानेंद्र जी, चेतना पारी वाली। हाँ, तो वो जो है पारसी थिएटर का जो फूहड़पन था उसको लेकर के बहुत हमलावर था मतवाला, हमेशा उसके विरुद्ध लिखा जा रहा था। पारसी थिएटर वालों में इतनी खलबली मच गई कि उन्होंने 10-10, 15-15 पास यहां पर पहुंचाना शुरू कर दिया कि भगवान माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, आप इतना मत लीजिए, लीजिए पास आप लोग लिखिए। लेकिन पास का कोई असर नहीं हुआ, लिखा जाना शुरू हुआ। तो उससे जो लेखक लोग थे वो लोग आकर के धरना दे दिए, बैठ गए कि भाई अगर आप लोग ऐसा करें तो हमारा जो है पेट कैसे चलेगा। और उसमें कई उर्दू के अच्छे लेखक थे, जौहर साहब एक लेखक थे, उन्होंने आकर के मतलब रोने लगे कि अगर आप लोग ऐसा करिएगा तो हमें तो जो है मालिक निकाल देगा, हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा, हमारे बाल बच्चे बिलख जाएंगे, तो इसलिए आप जो है मतलब इतना जो कठोर ना आलोचना करें। कहने का मतलब ये था मतवाला का ये प्रभाव था कि पारसी थिएटर वाले एक पैर पर खड़े हो गए और बहुत कुछ उन्होंने सुधार किया। कहने का मतलब ये है कि मतवाला बहुत जल्द ही एक महत्वपूर्ण पत्र बन गया हिंदी क्षेत्र के, हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण पत्र, और जिसकी 10,000 प्रतियां बिकती थी। नवजागृत लाल उसमें लिखा करते थे, और जो हिंदी नवजागरण की जो बात होती है ये वही है, ये वही लोग हैं जो तीसरे नवजागरण की जो शुरुआत होती है उससे ये सारे पुरोधा हैं, जिसमें निराला जी हैं, जिसमें हमारे आचार्य शिवपूजन सहाय। तो ये कहने का मेरा मतलब था कि ये सारा कुछ जो है जहां से चला, वो संपादन की तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन आचार्य शिवपूजन सहाय का जो रचनात्मक लेखन है वह विपुल है। संस्मरणों का तो जैसा मैंने कहा कि वो अगाध उनका जो लेखन है उसमें आप जिस पर भी उस समय के जो समकालीन लेखक थे, चाहे परारकर जी हो, चाहे ईश्वरी प्रसाद शर्मा जो उनके गुरु थे, आरम्भ में प्रथम साहित्य गुरु जो मानते उन पर हो, चाहे शांति प्रिय द्विवेदी पर हो, बहुत सब पर उन्होंने लिखा, बहुत गजब लिखा। लेकिन जो उनकी कहानियां और उपन्यास, जैसा गीता श्री जैसा कह रही थी कि वो कहानी का जो प्लॉट है वो वाकई में एक ऐसा प्लॉट है जो आने वाले समय के कथाकारों के लिए प्लॉट के रूप में, और खास तौर से जैसा ये कह रही है स्त्री विमर्श और स्त्री लेखन के लिए वो एक बड़ा प्लॉट का काम करता है, यानी उसकी आप कह सकते हैं कि वो प्रस्थान है। लेकिन उनका उपन्यास, वह उपन्यास भी देहाती दुनिया जो उनका उपन्यास है, वह उस उपन्यास में भी वो इतने सारे विद्रोही चरित्र हैं और इतने अद्भुत चरित्र हैं कि आप कह सकते हैं कि उसका हर चरित्र, उसकी हर घटना
एक उपन्यास का प्रस्थान है। छोटे समय मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि आचार्य जी का वह उपन्यास हो या जो कहानियां हैं, वो जिस तरीके से दृश्यों को जमाते हैं, एक छोटा सा दृश्य है देहाती दुनिया का कि पशुपत पांडे एक हैं जो ब्रह्म बैठाने के लिए वो कुछ अपने यजमान जो वहां की रामसार गांव है राम टहल सिंह की माँ से वो पैसा 1,000 रुपया लेकर के वो निकले हैं पिशाच वगैरह बैठे कमरू कमख्या जाने के लिए। रास्ते में ट्रेन में उनके गांव का एक खेदू कहार है, उसका बेटा भी उनका टहलुआ बनकर के उनके साथ जा रहा है और वो जो प्रपंच रचते हैं ये गुणी ज्ञानी हैं माहौर मतलब कि बड़े गुरु हैं बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं बहुत संत हैं महात्मा हैं इस तरीके से वो सारे आसपास बैठे उसी में एक सूरदास जी मिल जाते हैं, सूरदास जी को वो अपने साथ में ले लेते हैं और इस तरीके से पूरा प्रपंच इस तरीके से रचते हैं कि सूरदास वो पूरा दृश्य अगर आप देखिए कि ट्रेन में उस डिब्बे में जिस तरीके का दृश्य उपस्थित होता है मारामारी तक की दृश्य आ जाता है मारामारी तक की स्थिति आ जाती है। बाद में सब लोग ये कहते हैं कि नहीं जो है ये सूरदास बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति हैं और बाबा के साथ रहेंगे तो इनको बहुत ही लाभ होगा और वही बाबा सूरदास से को साथ लेके जाते हैं बाद में उनको ठग करके चल देते हैं ये पशुपत पांडे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से दृश्य वो जमाते हैं या फिर गांव में आपने देखा होगा कि गपोरों की एक बड़ी फौज होती है खाली बैठे हुए बहुत सारे गपोड़ी होते हैं जो तरह तरह की गप्पे किया करते हैं तो वहां रामायण और महाभारत की एक गप शुरू हो गई है गांव में शिवालय के पास और उस गप में वो कहते हैं कि साहब महाभारत से बड़ा युद्ध तो कभी हुआ ही नहीं। तो दूसरा गपोड़ी कहता है कि राम लंका में जो युद्ध हुआ राम का और जो है रावण का उससे बड़ा युद्ध कभी कहीं नहीं हुआ है। अरे वो तो 18 दिन में खत्म हो गया ये तो बहुत लंबा चला था लंका। इस तरीके से जो गप्पों को जमाते हैं दृश्य को जमाते हैं वो उपन्यास में जिन चरित्रों को वो उठाते हैं उन चरित्रों के बारे में जिस तरीके से जब सुगिया की चर्चा करते हैं जैसा इन्होंने कहा गीता ने कि भगजोगनी की जब वो चर्चा भगजोगनी का जब वो दृश्य खड़ा करते हैं उस कैरेक्टर को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं या उसके बारे में जो पूरा पेंट करते हैं वो देख करके एकदम लगता है कि सचमुच भगजोगनी हमारे सामने खड़ी और जिसका भी जीवन गांव में बीता होगा और आज से अब तो थोड़ा कपड़े उपड़े लगते लोगों को मिलने लग गए हैं उस जमाने में सचमुच में कपड़ों का इतना अभाव हुआ करता था। और मैं संशोधित कर दूं कि वो जो भगजोगनी थी वो दरोगा जी की बेटी नहीं थी दरोगा जी के भाई की बेटी थी हाँ हाँ तो उनकी बेटी थी। तो भगजोगनी अब उनका जो हाल है उसमें बहुत भगजोगनी की शादी नहीं होती उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने और व्यंग किया है तुमने जो कोट किया अच्छी बात है एक बहुत अच्छा व्यंग उन्होंने कहा कि बेटा को जब कोई बेचता है तो उसे कोई सवाल नहीं करता। बेटे का जो सौदा आप कर रहे होते हैं हमारा समाज ऐसा है कि बेटे को जब बेचता है बेटे का जब सौदा करता है तो उसकी कोई जो है बेइज्जती नहीं होती है बल्कि सम्मान होता है। लेकिन बेटी बेचने की अगर बात करने लग जाए तो वो सबसे निकारा धिकारा आदमी है तो वो समाज पर इस तरीके से व्यंग भी करते हैं। और इस बेटी बेचने को आगे इस उपन्यास में उन्होंने आगे बढ़ाया है देहाती दुनिया में उपन्यास को आगे बढ़ाया है जो बुधिया की बेटी सुगिया है उसे कैसे बेच करके महाबल यानी राम टहल की पत्नी महादेवी का पिता महाबल सिंह बुधिया की बेटी को बेच देता है और उसकी दो बेटियां और बची हैं उन पर भी वो नजर रखे हुए कि इनको भी हम हजारों में बेच देंगे। तो बेटी बेचने की जो पूरी प्रक्रिया है ये गांव में बहुत सारे मुझे खुद याद है मेरे गांव में बहुत पहले की बात है और ठीक ठाक वो परिवार था मतलब एक ही था वो व्यक्ति लेकिन उसने अपनी बेटी की बड़ी उम्र वाले लड़के से शादी कर दी और गांव में थूथ हुई लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे सारे जो गांव की जो विद्रूपताएं हैं गांव के जो विडंबनाएं हैं उनको आचार्य जी ने इस उपन्यास में रखते हुए कहा है कि जो और जैसा था मैंने उसे वैसा ही रख और जो और जैसा था उसे ऐसा ही अगर उन्होंने रख दिया है तो आप यकीन मानिए कि यह उपन्यास हिंदी साहित्य का एक ऐसा उपन्यास है जो हिंदी पट्टी के गांव का कम से कम बहुत ही व्यापक और निर्मम चित्र प्रस्तुत करता है। और आंचलिक कहकर के उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता ये अलग बात है कि आंचलिक आजकल बहुत गौरवपूर्ण शब्द हो गया है लेकिन मैं तो कहता हूं कि आंचलिक कहकर आप किसी भी रचना को रिड्यूस कर देते हैं वो एक बहुत ही सर्वव्यापी रचना है। और उस जो गांव वहां पर है उस रामसहार गांव उस वह गांव भारत के हर क्षेत्र वो गांव है वैसे गांव है। तो आचार्य जी के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आचार्य जी के कृतित्व पर जितना भी बात किया जाए कम है लेकिन आचार्य जी का कृतित्व ही उनके व्यक्तित्व का भी हिस्सा है
ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने बारे में आत्मश्लाघा में कहीं कुछ नहीं कहा है, अपने बारे में कहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा उनमें वह खुद नहीं थे। जैसा कि विकास जी कह रहे थे कि संपादक जो होता है वो हर किसी में होता है, हर किसी में उसकी एक आभा होती है, तो वो आभा जो है आचार्य शिव पूजन सहाय के लेखन की जो जितनी भी सारी विधाएं हैं उन विधाओं में उनकी अद्भुत आभा है। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो है मैं राजकमल प्रकाशन समूह को भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पटना में ये आयोजन, आज तीसरा दिन है, बहुत अच्छा है, एक माहौल भी बनता है, लोग जुड़ते हैं। बहुत दिनों बाद, चूंकि मेरा भी स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो बहुत दिनों बाद जो है मैंने तो तय किया था बहुत कम बोलूंगा, लेकिन जो तुम लोगों को देख करके उत्साह बढ़ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आमोद यहाँ पर हैं, आमोद माहेश्वरी जी, उनका धन्यवाद, और राजकमल प्रकाशन के सभी साथियों का धन्यवाद, धर्मेंद्र का धन्यवाद, और अनुपम का धन्यवाद, सभी लोगों का। और दादा आप उपस्थित हैं, हम लोग का यह बड़ी हौसला अफजाई होती है जब आपको देखते हैं, हम लोग बहुत उत्साहवर्धन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी।